glasses. कल हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करी थी, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन और फार्मूला देखा था। अब अभी एक एग्जांपल की हेल्प से उसे समझने की कोशिश करते हैं कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो एक क्वेश्चन है ये हमारे सामने, रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो इस कंडीशन में हमें इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, द टू वेक्टर्स गिवन टू अस हैव मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी। तो पी और क्यू के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मन से एक वैक्टर ड्रॉ कर लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड हम कंसिडर कर लेते हैं पी। रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी, मतलब पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है वो पी के ऊपर परपेंडिकुलर होना है, और पी के ऊपर परपेंडिकुलर रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ वाले अप्रोच की बात हम कर रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन में हम दोनों वैक्टर्स के टेल को एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे रखते हैं और उनके बीच में कहीं ना कहीं उनका रिजल्टेंट होता है। तो P और Q का जो रिजल्टेंट है वो P के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली क्योंकि अगर ये रिजल्टेंट है तो Q इसके इस तरफ होना चाहिए, तो हम अपने मन से यहाँ पे Q इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्रॉ कर लेते हैं। रिजल्टेंट P के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट P के साथ जो एंगल बना रहा है जिसे हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, वो हमें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री, और जो क्वेश्चन में हमसे बताने के लिए कहा गया है उसमें P और Q के बीच में एंगल बताने के लिए कहा गया है, मतलब हमें ये कंप्लीट एंगल बताना है जिसे हम थीटा मान लेते हैं। तो अल्फा हमें पता है और इस कंडीशन में थीटा हमें बताना है, तो फंडामेंटल अल्फा और थीटा को रिलेट करने वाला जो इक्वेशन है हमारे पास, हम उसे लिख सकते हैं टेन अल्फा That is 1090, क्योंकि हमें P के साथ एंगल पता है तो न्यूमरेटर में हम Q को लिखेंगे Q sin theta, where theta is the angle between P and Q, divided by P plus Q cos theta. 1090 की वैल्यू होते हैं infinity, that means Q sin theta divided by P plus Q cos theta equals to infinity. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तब होती है जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो। तो हमें इस इक्वेशन से ये कंफर्म हो गया कि P प्लस Q cos थीटा की वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए, और इसलिए हम cos थीटा की जगह पे लिख सकते हैं माइनस P बाई क्यू। बस हमें P और Q के बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी, तो इस तरह से हमने एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैलकुलेट कर लिया। एक और बात इस इन्फॉर्मेशन में कंफर्म है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन होने का मतलब होता है कॉस की थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो वैक्टर्स का रिजल्टेंट उनमें से किसी भी एक के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा ही ऑब्ट्यूज होगा, मतलब 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। इसे हम नोट कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन हमें बताने के लिए कहा गया है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है इसका हमें मैग्नीट्यूड भी पी और क्यू के टर्म्स में बताना है, हमें इन दोनों वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फंडामेंटल इक्वेशन है उसका हम यूज करेंगे, और उसमें हम कॉस थीटा की इस वैल्यू का भी यूज करेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उनके बीच में एंगल का पता होना जरूरी है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया माइनस पी बाई क्यू, इसकी वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से हम इस क्यू को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को माइनस पी स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। हम
चाहे तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर होने से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो बार बार हमें ये प्रोसीड ना करना पड़े तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एज अ स्पेशल केस भी ट्रीट कर सकते हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम इसका इजीली यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉस थीटा माइनस पी बाई क्यू को हम उन दोनों वैक्टर्स के एंगल कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन एक ही है, रिजल्टेंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू वैक्टर्स पी एंड क्यू। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमें जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं, एक और हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। वेक्टर P का मैग्नीट्यूड और वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड का समेशन हमारे पास है 16। अगले इन्फॉर्मेशन में लिखा है P और Q का जो रिजल्टेंट है वो R वेक्टर है और साथ ही साथ ये P के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब अगर हम जानना चाहते हैं P और Q का मैग्नीट्यूड, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट P के ऊपर परपेंडिकुलर है इसलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, जो हमने अभी अभी देखा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और है यहाँ पे हमारे पास, मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू 8, ये हमें आर का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो क्योंकि जब रिजल्टेंट पी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 64, और जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है जिसमें P और Q के मैग्नीट्यूड का समेशन 16 है, इसमें हम Q की वैल्यू लिख सकते हैं 16 माइनस P, और इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 16 माइनस P स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 64, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इवेल्युएट किया जा सकता है, 16 माइनस 2P 16 माइनस पी प्लस पी इक्वल्स टू 64। हम देखें तो ये प्लस माइनस पी कैंसिल, ये उसको जाके 4 बना देगा, तो 2P इक्वल्स टू 16 माइनस 4 दैट इज 12, और यहाँ से हमें P का मैग्नीट्यूड मिल गया 6 यूनिट्स। और P के इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो Q इक्वल्स टू 16 माइनस 6, और ये हमें पता चल गया 10 यूनिट। तो इस तरह से इक्वेशन का यूज करके जब भी रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा हम इजिली उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम वेक्टर एडिशन को समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है वेक्टर P, वेक्टर Q और एक वेक्टर R, इन तीनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं। इन तीनों वेक्टर्स में एक रिलेशन है, P और Q का रिजल्टेंट है R, मतलब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और साथ ही साथ उनका रिजल्टेंट भी उनके ही मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और हमें P और Q वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए? क्योंकि हमें पता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड P और क्यू से कैसे रिलेटेड होता है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। क्योंकि P, Q और R सबके मैग्नीट्यूड सेम है तो हम P, Q और R को एक कॉमन वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं x, और हर जगह पे हम x सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 2x² cos θ = -x² एंड cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू -1/2। हमें पता है cos हमेशा अपने ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव वैल्यू शो करता है और 60 के लिए 1/2 होता है, 60 के सप्लीमेंट्री के लिए विद नेगेटिव साइन, तो थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 120 डिग्री। 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 120 डिग्री होता है और अपने ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए cos नेगेटिव वैल्यूज शो करता है। तो इस तरह से हम दो वैक्टर्स के बीच में एंगल भी बता सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट और उनके बीच के एंगल को समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक में अगर हम लेते हैं एक ऐसा वेक्टर, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देख के कह सकते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b का जो सब्ट्रैक्शन है वो r है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का हम क्या यूज़ करेंगे? फंडामेंटली क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स दे सकते हैं या बुक्स में लिखा हुआ होता है। फंडामेंटली होता है ये भी एडिशन है। कैसा एडिशन होता है इस बात को समझते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इससे हमें ये क्लियर होगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स से किस तरह से रिलेटेड है। वेक्टर आर को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। बिल्कुल इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब इसका ये हुआ कि जो वेक्टर r a और b का सब्ट्रैक्शन था उस बात को हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वेक्टर r वेक्टर a एंड माइनस वेक्टर b का रिजल्टेंट है। जब हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझना चाहें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो हम एक वेक्टर यहां बना लेते हैं वेक्टर ए, एक हम यहां बना लेते हैं वेक्टर बी और इनके बीच में एंगल हमें अगर पता है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमें कैलकुलेट करना है लेकिन एंगल हमें ए एंड बी के बीच में पता है। अब इस इक्वेशन को क्योंकि हम इस तरह से इंटरप्रेट कर चुके हैं हमें रिजल्टेंट चाहिए वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी का, तो हमें सबसे पहले माइनस वेक्टर बी ड्रॉ करना पड़ेगा और किसी भी वेक्टर को जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये 180 होना चाहिए, इसलिए वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी के बीच में जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इधर होगा और यही ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस छोटा सा मॉडिफिकेशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स में हमें सब्ट्रैक्शन भी इंक्लूड करने के लिए कैसे करेंगे ये पता लग जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि ये ऑलरेडी रिजल्टेंट ही है, वो होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और थीटा की जगह पे हमें 180 माइनस कॉस थीटा लिखना चाहिए क्योंकि हम जो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का है। यहाँ जो थीटा है एंगल वो हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है और कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस कॉस थीटा होती है, इसलिए रिजल्टेंट मतलब जो ए और बी का सब्ट्रैक्शन है उसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं -2ab cos थीटा रूट में। इस बात का ध्यान हमें पूरी तरह से रखना है कि यहाँ पर जो थीटा है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अगर आपको वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल पता हो, मतलब अगर आपको ये एंगल नहीं गिवन हो, ये एंगल गिवन हो, या अगर आपको ये एंगल गिवन है इसकी हेल्प से आप इस एंगल को कैलकुलेट करके कैलकुलेशन प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज नहीं करना। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर से बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस तरफ वाले एंगल को अल्फा मतलब वेक्टर ए और वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी के बीच का एंगल हमने अल्फा माना है, तो जो फंडामेंटल इक्वेशन एडिशन के लिए हमारे पास था tan अल्फा मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज हुआ नहीं है, इस तरफ वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर में हम बी का बी को लिखते हैं तो हम लिखेंगे बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 180
माइनस थीटा. साइन 180 माइनस थीटा एज इट इज साइन थीटा ही होता है, हमने साइन थीटा लिख दिया यहां पे. और फिर से कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होने की वजह से ये ए माइनस बी कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाता है. तो बस इस बात का ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में, जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसके पहले नेगेटिव साइन है उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं और उसके बाद उन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं. रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मेनली दो बातों पे फोकस करना है. अगर आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी गिवन है और ए माइनस बी कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, और अगर आप ए और माइनस बी के बीच का डायरेक्टली एंगल यूज करते हैं तो आपको यहाँ माइनस साइन का यूज नहीं करना है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा से ही काम चल जाएगा. तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों बिल्कुल सेम है, एक स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ. इसको नोट कर सकते हैं. अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है, उस बारे में हम बात कर लेते हैं. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिख सकते हैं, इसे हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैन बी रिटन एज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, मतलब ऑर्डर रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन क्या वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए हम लिख सकते हैं? तो इस बात को समझने के लिए फिर से हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे. हमारे पास वेक्टर ए है और हम सबसे पहले a माइनस बी की बात कर लेते हैं. तो वेक्टर b और a के बीच में एंगल हमें पता है. अब अगर हम a माइनस बी के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें माइनस बी ड्रॉ करना पड़ेगा, और वेक्टर a और माइनस वेक्टर b का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा r1 वेक्टर, जिसे लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b. अब हमें यह देखना है कि क्या वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट, ये आर वन सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो इसके लिए हम फिर से सेम डायग्राम को प्रोसीड करते हैं. इसमें हमने वेक्टर ए को यहाँ पे बनाया फिर से एज इट इज, वेक्टर बी हमने यहाँ पे बना लिया, इनके बीच में एंगल ये थीटा है. हमें ज़रूरत है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए की, क्योंकि हम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कैलकुलेट करना चाहते हैं और नेगेटिव साइन इस बार ए के साथ है, इसलिए हम ए का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे. और ए का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो हमें माइनस ए वेक्टर मिलेगा, और अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ डायरेक्टेड होगा. इसे हम आर टू वैक्टर कह सकते हैं, जिसे हम लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. तो इन दोनों डायग्राम से ये बात क्लियर हो जाती है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इन दोनों के डायरेक्शंस सेम नहीं है. हालांकि मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स करने से उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता नहीं है. ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए के बीच में ये जो कंप्लीट एंगल है ये भी 180 माइनस थीटा ही होगा, और मैग्नीट्यूड इन दोनों के सेम रहे, कोई चेंज नहीं आया. तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, मतलब हम कह सकते हैं आर वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा. लेकिन ये मैग्नीट्यूड मॉड अगर हम नहीं लगाते हैं तो हम इस लॉ को वैलिड नहीं रख सकते, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए सेम नहीं होते. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता. हाँ, अगर हम लिखना चाहते हैं इनमें एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं. अगर इन दोनों डायग्राम्स को मर्ज करके आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा. इसलिए हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. तो फॉर्मूले में एक स्लाइट मॉडिफिकेशन है, साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, और क्वेश्चंस इसके एज इट इज आप प्रोसीड कर सकते हैं सेम फॉर्मूले पे बेस्ड, इसे नोट कर सकते हैं. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे. वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इन मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा. आर वन वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस प्लस वेक्टर बी, या माइनस ही कर लेते हैं. R2 वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B. कैलकुलेट
आर वन मॉड डिवाइडेड बाई आर टू मॉड। ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हम आसानी से समझ सकते हैं, ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए और बी के बीच में इंक्लिनेशन हमें थीटा यूज करना है, मतलब थीटा के टर्म्स में ही हमें जवाब देना है। आर वन ए और बी का सब्ट्रैक्शन है, साथ ही साथ आर टू ए और बी का रिजल्टेंट है, और आर वन और आर टू के मैग्नीट्यूड का रेशियो हमें बताना है। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे? तो ए और बी का सब्ट्रैक्शन है आर वन, तो आर वन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि जो थीटा हमें पता है वो ए और बी के बीच का एंगल पता है, ना कि ए एंड माइनस बी के बीच में। अगर ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल थीटा होता तो फिर हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करना होता। थोड़ा ऐसे प्रोसीड करें तो हम लिख सकते हैं आर वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने कंसिडर किया ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो उसे हमने एक्स का यूज कर लिया, माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसे थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे तो आर वन इसमें से हम 2x स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उस वैल्यू का हम यहां यूज करेंगे, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, और रूट से सारी चीजें बाहर आ जाएंगी और आर वन हमें मिलेगा 2x साइन थीटा बाई 2। अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा गया होता कि सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बताओ तो उसका जवाब होता 2x sin theta by 2, where x is the magnitude of one of the vectors, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता। लेकिन क्योंकि हमें रेशियो बताने के लिए कहा गया है, a और b के रिजल्टेंट के बारे में भी बात करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम सबसे पहले इनके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि सेम है तो अपने मन से हमने एक्स कंसिडर कर लिया, टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर होगा और इसमें से हम इसे कॉमन कर सकते हैं और हमें मिला यहां से टू एक्स स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो हम यहां लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और फिर से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो रूट से सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, टू एक्स कॉस थीटा बाई टू मिलेगा हमें। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड मिला वो हमें 2x sin थीटा बाई 2 मिला, और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें 2x cos थीटा बाई 2 मिला। क्वेश्चन में हमें बताने के लिए कहा क्या कहा गया है, मैग्नीट्यूड का रेशियो, r1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई r2 का मैग्नीट्यूड। इसको कॉपी कर लेंगे फिर हम आगे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि हमारे पास अब R1 अपॉन R2 बताने के लिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी है, हम इसका यूज करेंगे, R1 की जगह पर 2x sin थीटा बाई 2 का यूज करेंगे और R2 की जगह पर 2x cos थीटा बाई 2 का यूज करेंगे। यहां से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है और हम यहां से लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर होगा, हम इसे कॉपी कर सकते हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। जैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं तो हमें उनका एक रिजल्टेंट मिलता है, एक सिंगल वेक्टर मिलता है, वैसे ही हम एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि 5 हमारे पास एक नंबर है, किन दो नंबर्स को ऐड करने से 5 बना है, तो आप कितने पेयर बना सकते हैं? इनफिनिट नंबर ऑफ पेयर बना सकते हैं, 1 और 4 को ऐड करके भी 5 मिलता है, 2 और 3 को भी ऐड करके 5 मिलता है, 2.5 2.5 को भी ऐड करके 5 मिलता है, तो इनफिनिट नंबर ऑफ पेयर हम इसमें डेवलप कर सकते हैं जिनको ऐड करके वापस से हमें 5 मिल जाएगा। बिल्कुल वही कंडीशन वैक्टर्स के साथ भी है,
हमें अगर एक वेक्टर पता है और हमें ये बताना हो कि ये कौन से दो वेक्टर्स को ऐड करके बना है, तो हम ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ पेयर्स डेवलप कर सकते हैं जिनका रिजल्टेंट वो एक सिंगल वेक्टर पॉसिबल है, अलग अलग एंगल पर अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और एक सिंगल वेक्टर को जब हम स्प्लिट करेंगे दो वेक्टर्स में, तो उन दोनों वेक्टर्स को उस सिंगल वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स कहेंगे। वैसे कॉम्पोनेंट्स हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये रहा वेक्टर ए, ठीक है, अब हम एक वेक्टर ले लेते हैं सी और एक वेक्टर ले लेते हैं बी साइक्लिक ऑर्डर में। तो इस डायग्राम को देख के हम ये कह सकते हैं कि सी और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी अगर आपको याद हो, तो इस ऑर्डर को, इस ट्रायंगल को देख के हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर सी और वेक्टर बी को ऐड करने से हमें मिला है वेक्टर ए। तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर सी और वेक्टर बी हैं, ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स कहे जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है कि कंपोनेंट्स वर्ड का मतलब क्या होता है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। और कोई भी कंपोनेंट उस सिंगल वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है और सिंगल वेक्टर से छोटा भी हो सकता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। जैसे हमने रिजल्टेंट की बात करी, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स 3 यूनिट और 4 यूनिट के हैं, तो उनका रिजल्टेंट 3 से भी बड़ा हो सकता है, 4 से भी बड़ा हो सकता है, साथ ही साथ 3 से भी कम हो सकता है, 4 से भी कम हो सकता है। वही रिवर्स प्रोसेस फॉलो होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। तो एक दिमाग में ऑटोमेटिकली मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो जाता है कि जिस वेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे हैं, कंपोनेंट्स बना रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड हमेशा उस वेक्टर से छोटा होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बात डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप इस स्टेटमेंट को अपने लैंग्वेज में कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स में से कोई भी कंपोनेंट उस वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है, उस वेक्टर से छोटा भी हो सकता है और उस वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है। तो इसे, इस प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन बोलेंगे और उसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर लें, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, फिर से ले लेते हैं वेक्टर ए, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करें, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, अगर हम एक पैरेललोग्राम ऐसे इमेजिनरी कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा ये डायग्राम ऐसा बन गया, ऐसे ये रहा वेक्टर है। तो इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए। मतलब बी और सी को ऐड करने से हमें क्या मिला, ए मिला। तो अगर हमें ऑलरेडी ए पता हो और उस ए की हेल्प से हम बी और सी कैलकुलेट कर पाए जिन दो वेक्टर से वो मिलके बना है, तो हम बोलेंगे बी और सी वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं, रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हम समझ सकते हैं और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हम समझ सकते हैं रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब क्या हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एक वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं, बड़ा कॉमनली पूछा गया सवाल है। तो एक वेक्टर्स के हम इन्फिनिट कंपोनेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिट वेक्टर्स को ऐड करके हम सिंपली एक सिंगल वेक्टर बना सकते हैं। तो रिवर्स में बिल्कुल सही है, एक वेक्टर को हम स्प्लिट करके, रिजॉल्व करके इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स में हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस सेम डायग्राम में इसे समझना चाहें, जैसे वेक्टर ए सी और बी का रिजल्टेंट है, अगर एक मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो अगर हम एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा हमारे पास वेक्टर डी, और इस यहां से शुरू होता हुआ हम एक और वेक्टर यहां ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हम कह लेते हैं वेक्टर ई। तो अब इस नए ट्रायंगल पे अगर हम फोकस करें, तो फिर से ये जो वेक्टर ए है वो डी और ई का भी रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है वो सी और बी का भी रिजल्टेंट है। इस तरह से हम इनफिनिट नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर डी और वेक्टर ई को ऐड करके हमें फिर से वही वेक्टर मिला है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के कंपोनेंट सी और बी भी हैं, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स डी और ई भी हैं। इस तरह से हम किसी भी एक सिंगल वेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के इनफिनिट नंबर ऑफ पेयर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हम इसका, ये तो एक समझने वाली बात हो गई, डेफिनेशन वाली बात हो गई, अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, उस बारे में समझते हैं। यूं तो वेक्टर का जो रिजोल्यूशन है वो किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल होता है, डिफरेंट एंगल्स में पॉसिबल होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस यूज होते हैं, 99%
केसेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर रिजोल्यूशन प्रोसेस के हैं, तो हम इस लेक्चर में उस पर ही फोकस करेंगे। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए और हम इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से हमारा मतलब है एक हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया और एक वेक्टर हमने यहां ड्रॉ कर दिया, वेक्टर ए इसे हम वेक्टर बी मान लेते हैं और इसे हम वेक्टर सी मान लेते हैं, और इनके बीच में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब किसी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे और इसमें स्पेशल बात यह है कि वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे और इनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री है। इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन का ही मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है और इसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहने का तरीका यह है कि अगर आप वेक्टर ए को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना चाहते हैं तो अगर आप ऐसे डॉटेड लाइन से स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें तो एक रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, शायद इसलिए ही इसका नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बारे में समझते हैं। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहां से यहां तक की स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इसका लेंथ होगा और वैसे ही सी जो है वो यहां से यहां तक के लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमें इनमें से कोई भी एक एंगल पता है, मतलब वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम थीटा मान लें तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए, बी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। बिल्कुल वैसे ही अगर हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और यहां से हमें सी इक्वल्स टू मिला ए साइन थीटा। मतलब बड़ा सिंपल है, आसान है, जो एंगल हमें गिवन है उधर वाला कंपोनेंट उसके अलोंग वाला जो कंपोनेंट वो हमेशा कॉस में होता है और जो सामने वाला बच गया वो हमेशा साइन में होता है। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से समझ लिया हमने, हम चाहें तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ज़्यादातर यूजफुल यही होता है। इसमें हमारे पास वैक्टर बी है और ये रहा वैक्टर सी, इसे हमने वैक्टर ए को रिजॉल्व करके डेवलप किया है। ए और सी, बी और सी के बीच में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर बी और ए के बीच में एंगल पता हो हमें थीटा, एंगल पता होना जरूरी है तभी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। तो जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा अगर ये ए का कॉम्पोनेंट है तो हम इसे वैक्टर ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला बच गया कॉम्पोनेंट वैक्टर सी इसे हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा कह सकते हैं। सिंपल सा रूल है और इसका हम फंडामेंटल और फ्रिक्वेंट यूज़ करेंगे तो बार बार यूज़ करने से चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स करेंगे, दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे। दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के बाद इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे अभी हमने रिजल्टेंट देखा, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए तो हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन है, लेकिन 3, 4, 5 मल्टीपल वेक्टर्स हो जाएं तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे, तो उसमें हमारा ये जो प्रोसेस रिजोल्यूशन वाला है वो काफ़ी काम आएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे और उसमें देखेंगे कि मल्टीपल वैक्टर्स को रिजोल्यूशन प्रोसेस से ऐड करने में ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। थैंक यू।